क्या हो गया ये शिट। सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं दिख ही नहीं रही हूँ। ओके, वेलकम टू माई चैनल, इट्स इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो मैं हूँ त्रिशा। सो ये व्लॉग स्टाइल वेलकम नहीं था इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी व्लॉग, थोड़ी सी मेरी जो रेगुलर स्किन केयर रूटीन या फिर स्किन केयर के वीडियोज़ है थोड़ा बहुत उस टाइप का होगा। तो इसमें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 days में एक स्किन केयर रूटीन कैसे आपके स्किन को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। एक्चुअल में जो ब्राइड टू बी है या फिर अगर कोई भी ओकेशन या फेस्टिवल्स आ रहा है और विद इन 7 days आप अपने स्किन केयर गेम को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हो तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। तो मैं अपार्टमेंट में हूँ अभी, शायद 3 या 3:30 बज रहे होंगे। तो ये जो स्किन केयर रूटीन है मैं इसे 2 parts में डिवाइड करूँ, नाइट स्किन केयर रूटीन और उसके बाद मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, क्योंकि ऑलरेडी अभी दोपहर का टाइम क्रॉस हो रहा है तो मैं नाइट टाइम पर इसे शुरू करूँ। ये जो स्किन केयर के स्टेप्स होंगे बहुत ही सिंपल होंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप वुड बी ब्राइड्स हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपको शॉपिंग करना होता है, प्लानिंग करना होता है और उसके बाद स्किन केयर के लिए हाफ एन आवर देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल होगा, जो भी सारे मैं चीज़ें शेयर करूँगी वो ऐसी होगी जिन्हें यूज़ करना बहुत सिंपल हो, बनाना बहुत सिंपल हो। तो मेरे जो लिप्स हैं वो थोड़े से अजीब लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लिप टिंट अप्लाई करती हूँ। ये जो लिप टिंट है सच में ऑसम है, ऑसम है, तो इसे अप्लाई करते हैं पहले। अच्छी लग रही है ना, लिप टिंट बहुत अच्छी है। तो अभी मैं जाती हूँ दूसरा कुछ शूट करने के लिए, ग्लिम्स देखने के लिए। आई थिंक आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं इंटरेस्टेड तो होंगे, तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स भी ऐड कर दूंगी, फिर मिलते हैं आप सबसे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के टाइम। हम लोग अभी मिल रहे टाइम लैप्स के बाद, आई थिंक तब 3 या 3:30 बज रहे होंगे और अभी बज रहे 8:30। तो अभी मुझे अपना जो ड्रेस है उसे चेंज करना है, उसके बाद करना है नाइट स्किन केयर रूटीन जो मैं इस व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, साथ साथ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी। तो सबसे पहले ड्रेस को चेंज कर लेते हैं। मेकअप जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हुआ है और ये जो मेकअप रिमूवर है ये है DIY मेकअप रिमूवर, मैंने बनाया है विथ एलोवेरा जेल एंड कैस्टर ऑयल, तो आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मेकअप रिमूवर है तो बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव हुआ है, मुझे बस अभी फेस वॉश करना है। सो DIY मेकअप रिमूवर से मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो गई है तो अभी मैं थोड़ी सी फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी। रोज़ वाटर इज़ माई फेवरेट टोनर, स्पेशली नाइट के टाइम में मुझे रोज़ वाटर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी फेस मास्क, क्योंकि नाइट टाइम में कोई भी यूवी रेस नहीं रहता है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन से दूर रहती है क्योंकि आप घर में रहते हो तो नाइट टाइम बेस्ट टाइम है। तो इस टाइम के लिए मैं एक अच्छा सा फेस मास्क आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की मेरी फेस मास्क की जो सेटअप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैं दिखाती हूँ फेस मास्क के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। सो दीज आर द इन्ग्रीडियंट्स विच आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर माई फेस मास्क, और ये है एग योक, रॉ मिल्क एंड ओट्स। आप चाहे तो होल एग भी यूज़ कर सकते हो। Falling so hard, baby,
तो ये रहा हमारा फेस मास्क, और इस फेस मास्क को ना मुझे लग रहा है पैनकेक बना के भी आप खा सकते हो थोड़ा सा शुगर ऐड करने के बाद। जो भी हो, इसे हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम आइस क्यूब ट्रे में डालेंगे, आइस क्यूब बनाएंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। इसका जो मेन रीज़न है वो है ये कि आपके लिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो ईजी हो, आपको हर रोज़ इसे बनाना ना पड़े। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप ब्राइड टू भी हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगी, तो इसीलिए इसका आइस क्यूब बनाएंगे हम सब। इस फेस मास्क में अगर आप एग ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप थोड़ी सी योगर्ट इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप एग ऐड करते हो तो आप थोड़ी सी एसेंशियल ऑयल ज़रूर इसमें ऐड करें, ताकि इसकी जो स्मेल है कम से कम आप टॉलरेट कर सको। और थोड़ी सी लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि लेमन जूस से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ब्राइटन अप हो जाती है। लेमन जूस से मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस ऐड नहीं किया, लेकिन आप चाहे तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं। फेस मास्क आपको हर रोज अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अल्टरनेटिव डेज में फेस मास्क को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज एवरीडे नाइट आपको कुछ ऐसा अप्लाई करना है जो आपकी स्किन को नरिश करे, मॉइस्चराइज करे, ऑल ओवर सारा सब कुछ एक साथ करे। तो आप यूज कर सकते हो ममार्थ की विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने इससे पहले भी बहुत बार बोला है, और आई बटन पे आप चेक कर सकते हो इसके बारे में, जब मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया इसकी रिजल्ट क्या है। सच में मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद है, इसलिए बार बार मैं इसके बारे में बोलती रहती हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बिल्कुल भी सीरम या कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह नहीं दिखता है, इट्स फील लाइक जेल। और जब आप अपने स्किन में इसे अप्लाई करोगे ना, तो ये बिल्कुल आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, बहुत ही सूदिंग सा एक फीलिंग आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली जो स्लीपिंग मास्क है ये। ओके, माई स्किन लुक्स रियली ग्लोइंग। ओके, तो अभी बस हैंड क्रीम अप्लाई करना है और थोड़ी सी लिप बम। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डीप स्लीप ले नाइट के टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपनी शादी को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा टेंस हो, तो फिर वो जो ग्लो है वो नहीं आ पाएगा। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ममार्थ विटामिन सी स्लीपिंग मास्क अप्लाई किया है, आई रियली लाइक द प्रोडक्ट। मैंने इससे पहले भी बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है। इसमें है विटामिन सी एंड एलोवेरा, जो स्किन में एक यूथफुल ग्लो प्रोवाइड करता है। साथ साथ एलोवेरा आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट करता है और नरिश करता है। और मैंने देखा है एवरी नाइट जब भी मैं इसे यूज करती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा यूथफुल दिखती है, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड फील होती है। सो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, आप चाहे तो इसे अमेजोन या नाइका से बाय कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी आप ममार्थ.in से बाय करें, क्योंकि अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो ममार्थ.in से, तो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर 20% ऑफ जाएगा, तो वही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ना ऐसे होल्ड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे बहुत ज़्यादा, आप सिर्फ टॉपिकल यूज़ पे इंपॉर्टेंस देने के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पे भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और मॉर्निंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम आप कुछ भी कंज्यूम करते हो तो वो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, सबसे ज़्यादा उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी को मिल पाता है। आई नो सबको हेल्दी खाना ये सब कुछ बकबक पता है, तो वो सब नहीं बताते, कुछ ऐसा बताते जो आपको पता नहीं होगा। तो मैं आपके साथ एक सिंपल सी चीज़ शेयर करती हूँ, जो है ये है एक टर्मरिक रूट। एक्चुअली टर्मरिक रूट की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताती हूँ। टर्मरिक रूट ना बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, इवन हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए, और साथ साथ ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए। तो इसीलिए मेरी मम्मी ना बचपन में मुझे हमेशा सुबह में थोड़ा सा टर्मरिक रूट और उसके साथ थोड़ा सा जगेरी देती थी। तो आप कोई भी जगेरी ले सकते हो, उसके साथ थोड़ा सा टर्मरिक रूट लेके आपको बस थोड़ा सा चबा के उसको खा लेना है, और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लो, नॉर्मल पानी हाफ आपने पी लिया, और उसके बाद आप चाहे तो 15-20 मिनट्स के गैप में या फिर 30 मिनट्स के गैप में जो लेमन वाटर वगैरह होता है वो भी ले सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, आपकी ब्लड को प्यूरीफाई करता है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। विद इन 7 डेज अगर रिजल्ट ना भी दिखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको ज़रूर इसका विजिबल रिजल्ट दिखेगा। जब आप
सच में वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करते हो, 3 लीटर्स पानी ना आप 30 डेज पी के देखो, उसके बाद अपनी स्किन देखना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करने के लिए मैं कुछ टिप्स देती हूँ जो मुझे लगता है मेरे काम आई है तो आपके भी काम आएगी। सबसे पहले तो अपने मोबाइल पर आप थोड़ा सा रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि आपको पानी पीना है, और सुबह उठने के बाद आप 3 लीटर्स पानी ना बिल्कुल बॉटल में भर लो, और उसके बाद उसके ऊपर अपना नाम लिख दो या फिर ऐसा कुछ कोटेशन लिख दो कि आपको इसे कंप्लीट करना है। और जहाँ पे आप काम करते हो इन बॉटल्स को बिल्कुल उसके आसपास ही रखो, क्योंकि हम लोग इतना लेजी होते हैं, कभी कभी तो बॉटल लेने के लिए जाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग पानी नहीं पीते, ऐसा मैं भी कभी कभी करती हूँ। ओके, तो आप भी अगर मेरे ग्रुप में आते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसीलिए अपने आस पास रखो बॉटल्स को ताकि आपको उठ के जाना ना पड़े, कम से कम आप पानी पी लो। और एक चीज़ कर सकते हो, इन 3 लीटर्स में से ना आप कम से कम 1 या 2 लीटर पानी में थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हो, वो इसलिए ताकि आपकी विटामिन सी की जो इनटेक है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो, क्योंकि विटामिन सी आप सभी को पता है स्किन एंड हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इवन हमारे हेयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो इससे क्या होगा, विटामिन सी भी आपको मिलता रहेगा थ्रू वाटर, लेकिन इतना ज़्यादा मत ऐड करना कि वो सोर हो जाए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा पीने में पानी को, बस इतना सा हो कि आपको उसकी फ्लेवर मिले। अदरवाइज आप डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उसमें भी फ्लेवर होता है, और डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। और ये जो टूल दिख रहा है बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था लेकिन इसे DIY करके इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो आप भी अपनी स्किन को इम्प्रूव करो, थोड़ा सा DIY करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो अपनी स्किन को। ओके, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना भूल गई थी। एक है ये SPF, आप चाहे बाहर जाओ या फिर ना जाओ, आपको SPF ज़रूर अप्लाई करना है, और साथ साथ रखना है सेकंड में एक रोज़ वाटर अपने साथ, जहाँ पर भी आप जाओ इसे कैरी करो, एवरी 2-3 आवर्स के गैप में थोड़ा सा फिस कर लो अपने स्किन में, इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। और नाइट टाइम में ममार्थ विटामिन सी स्लीपिंग मास्क बिल्कुल मत भूलना, और ममार्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल एंड केमिकल फ्री होते हैं, पेटर सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है, और ममार्थ एक इंडियन ब्रांड है, सो हैशटैग वोकल फॉर लोकल। तो मेरे आज के वीडियो को मैं यही पे एंड करती हूँ, होपफुली ये जो ब्लॉग स्टाइल वीडियो है आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताना। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।